नर्व सप्लाई, जो ब्रेस्ट की नर्व सप्लाई है वो इंटरकॉस्टल नर्व से होती है, ठीक है। तो 4 to 6 इंटरकॉस्टल नर्व से होती है। अब आपने आर्टरी में पढ़ा था और वेन में पोस्टर इंटरकॉस्टल नर्व एंड पोस्टर इंटरकॉस्टल आर्टरी होती है। तो यहाँ पे जो याद रखना है वो खाली आपको इंटरकॉस्टल याद रखना है। तो जो नर्व है वो इंटरकॉस्टल नर्व है, उसमें भी 4 to 6 इंटरकॉस्टल नर्व्स होती हैं, वो ब्रेस्ट को सप्लाई करती है, ठीक है। अब इसकी जो ब्रांचेज हैं जो ब्रेस्ट को सप्लाई करती हैं, वो एंटीरियर क्यूटेनियस एंड लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच है। तो एक एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच है, एक लैटरल क्यूटेनियस ब्रांच है, तो वही इसको ब्रेस्ट को सप्लाई कर रही है। ये क्यूटेनियस नाम स्किन से आया है ना, तो जो ब्रेस्ट की, क्योंकि मेजर इसकी स्किन को काफी सप्लाई मिलती है, इसलिए इसका नाम जो है ना क्यूटेनियस से आ रहा है। एंटीरियर एंड लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस जो है इंटरकॉस्टल नर्व्स की, वो ब्रेस्ट की नर्व सप्लाई है। अब इसमें जो सप्लाई होती है वो होती है सोमैटोसेंसरी, तो मेनली जो है ना सेंसरी का काम करता है, तो सोमैटोसेंसरी सप्लाई है इसकी। और नर्व्स में जो फाइबर्स जाते हैं वो दो तरह के फाइबर्स हैं, एक सेंसरी फाइबर्स हैं और एक ऑटोनॉमिक फाइबर्स हैं। अब सेंसरी फाइबर्स हैं ऑब्वियसली कहाँ जाएंगे, स्किन को जाएंगे, तो जो ब्रेस्ट की स्किन है उसको जाते हैं सेंसरी फाइबर्स और वो सेंसेशन के लिए रोल प्ले करते हैं। जो ऑटोनॉमिक फाइबर्स होते हैं वो जाते हैं स्मूथ मसल्स को, स्मूथ मसल्स को जाते हैं और ब्लड वेसल्स को जाते हैं। तो ये एक्टिविटी जो है वो इनके थ्रू हो रही है, यानी ऑटोनॉमिक फाइबर्स के थ्रू होती है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मिल्क सिक्रेशन, ये वाइवा का भी क्वेश्चन है कि मिल्क सिक्रेशन नर्वस कंट्रोल में नहीं होता। ये ध्यान रखने की बात है कि मिल्क सिक्रेशन की अगर हम बात करें, सो इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय नर्व्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द नर्व्स। तो फिर किससे कंट्रोल होता है, ये एक्चुअली मेनली इसका हार्मोनल कंट्रोल है, यानी हार्मोन है जो इसका कंट्रोल करता है मिल्क सिक्रेशन का। सो इसका हार्मोनल कंट्रोल है। अब हार्मोनल कंट्रोल कौन सा हार्मोन है जो मेनली इसको कंट्रोल कर रहा है, तो इसके लिए है प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन आप जानते हो कहाँ से सिक्रेट होता है, यस, एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो हार्मोनल कंट्रोल है जो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन से कंट्रोल होता है, प्रोलैक्टिन, ओके। और प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रेट होता है पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट से, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से। सो एंटीरियर पिट्यूटरी, इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी भी ए से ही बना है, एडिनो हाइपोफाइसिस भी ए से बना है। तो एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है और वही मेनली मिल्क सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो नर्व्स होती हैं स्पेशली एरियोला पार्ट में, है ना, जो सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं उनका थोड़ा सा एक रोल होता है। सेंसरी जो फाइबर्स हैं कहाँ से, आपके स्किन से, एरियोला से, मतलब स्किन ऑफ, आई कैन से स्किन ऑफ निप्पल एंड एरियोला। तो जो फाइबर्स इस, ये आपकी निप्पल एंड एरियोला से जो सेंसरी फाइबर्स जाते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन को, मिल्क के सिक्रेशन को, जब वो टच्ड होते हैं। जैसे कि जो सकलिंग होती है, जो बेबी इन्फेंट जब सक करता है ब्रेस्ट को, तो मिल्क का सिक्रेशन बढ़ जाता है उस टाइम पे। तो ये बेसिकली जो निप्पल में और ब्रेस्ट के एरिया में जो सेंसरी फाइबर्स हैं वो उसको स्टिमुलेट करता है। एक्चुअली ये एक सकलिंग रिफ्लेक्स, मतलब एक रिफ्लेक्स भी है कि हम इसीलिए बोलते हैं जब कोई लेडी बेबी डिलीवर करती है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई जो उसको बार बार ब्रेस्ट पे लगाए, तो जितनी बार वो ब्रेस्ट पे लगाएगी मिल्क का सिक्रेशन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एक रिफ्लेक्स होता है जो जो निप्पल और एरिया, मतलब निप्पल और एरियोला की जो सेंसरी फाइबर्स हैं वो उसको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, पर वो स्टिमुलेट करके फाइनली बढ़ाते प्रोलैक्टिन को ही, और उसी के थ्रू सिक्रेशन होगा। तो नर्वस कंट्रोल डायरेक्टली नहीं है, बट फाइबर्स कुछ इसको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपका मिल्क सिक्रीशन में क्या नर्वस कंट्रोल नहीं है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड रिमेंबर इट।